पर्सनल डेफिमेशन समझ ही नहीं आ रहा, अरेस्ट की डेफिमेशन के केस में जो होगा डिक्लेयर करने का कोई मतलब ही नहीं, पर वो तकनीकी बातें पता कर लेंगे। मोदी सिद्धांत की बात की है कि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे किए किसी एक्शन में कोई मुकदमा होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा आखिरी दिन तक उसके साथ खड़ा रहेगा, बाकी जो भी हो, कभी सरकार से बन जाती है, कभी नहीं बनती, कभी तोड़नी पड़ती है उनसे अपने साथी को, तो उसके लिए मेरा अनुरोध होगा, मेरा सजेशन हरियाणा की तरफ से हम एक लीगल टीम बनाए, क्योंकि ये जो केसेस हैं काफ़ी सारे हमने खत्म भी करवा दिए हैं, कुछ अटके भी हुए हैं, एक लीगल टीम, और मैं आपको मोर्चे की कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से भरोसा दिलाता हूँ कि उस लीगल टीम के लिए हमें जो कुछ टीम बन गई है, वकीलों की, हाईकोर्ट की एक टीम बन गई है, सुप्रीम कोर्ट की टीम बन गई है, तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोर्ट की जरूरत होती है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा काम है उस चीज़ के लिए वहाँ पर और इसकी व्यवस्था करना चाहिए। तो आंदोलन का बिल्कुल कम से कम जो काम करना चाहिए वो ये, तो ये तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। कमेटी आप सोच लो इसमें क्या है जी, वो बोला जी, वो कह रहा है पांच आदमी जाके ये किसान मेरे परिवार से माफी मांगे, तब मैं क्या? फिर उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मेलन में अपने किसान नेता तो बोलेंगे, साथ में आर्मी के पुराने जनरल वगैरह आ सकते हैं, उसके लिए हमने उनसे नाम दिए हैं, वो नाम वहाँ भेजेंगे जो अवेलेबल होंगे, तो एक तो किसी जनरल को बुलाने। बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें काफ़ी सारे निर्णय लिए गए, जो हमारे देश का स्कैम है उसमें जो फैसला लिया गया था, जो हमारे लंबित मुद्दे हैं लखीमपुर खीरी का है, किसानों मुकदमे का है, और जो MSP खरीद गारंटी का कानून बनाने की मांग है उसको लेकर के 31 जुलाई को जो फैसले दिए गए उसके मुताबिक रास्ते जाम किए जाएंगे 4 घंटे के लिए, और जहां भी जिस संगठन की जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार प्रदर्शन भी करेंगे, पुतले भी जलाए जाएंगे। इस तरह का आज ये निर्णय पर SKM ने हरियाणा ने मोहर लगाई है। दूसरा जो अग्निपथ का जो मुद्दा है उसके लिए भी यह फैसला हुआ है, अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के और 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान आंदोलन के नाम पे यहाँ मीटिंगें की जाएंगी, उसमें बेरोजगारों को, पूर्व सैनिकों को, सबको मिलकर के वो पूरे देश और प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और जो हाल ही में एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और जो जुमला बालकान जो सांचे की जमीन जो कॉमन पर्पज के लिए जो छोड़ ली गई थी, अब उस फैसले के मुताबिक उस ज़मीन को किसानों से छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। हमारा उसमें सरकार से आज ये एक आग्रह है कि एक अध्यादेश लाया जाए और इन किसानों की ज़मीन को बचाया जाए, और जो इसके आंदोलन की जो रूपरेखा तय की गई है 5 अगस्त को सभी SKM हरियाणा के सभी संगठन मिलकर के जिला उपायुक्तों को इस संबंध में ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार ने किसानों की बात को इसको नहीं माना तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आगे उसको शुरू किया जाएगा। प्रमुख तौर पे आज और एक नारायणगढ़ का जो हमारा शुगर मिल है उसकी पेमेंट गणना किसानों की चले उसका भी यहाँ मुद्दा में चर्चा की गई, और वहाँ करीब 56-56 करोड़ के करीब किसानों का बकाया है, और वो कई कई महीने के चेक किसानों को दे रहे हैं, किसानों को पैसा चाहिए, उसके संबंध में भी वहाँ की हमारी कमेटी आई है, वहाँ के बारे में भी जल्दी वहाँ मीटिंग पंचायत मिलकर सामने रखी जाएगी। घंटे की टाइमिंग क्या रहने वाली है? 11 से 3 बजे 11 से 3 बजे तक का शांतिप्रिय तरीके से ये फैसला हुआ है, और उसमें जो भी जरूरी रेल रोको आंदोलन होगा, रेल रुकेगी क्या? हाँ, रेल का भी है और सड़कों का भी है, उसमें हाँ टोल कमेटियों का भी इसमें सहयोग है, खा पंचायतों का भी सहयोग है। सभी एक बार दोबारा बता दीजिए, 31 जुलाई आने वाली 31 जुलाई को, तो उसमें शांतिप्रिय तरीके से जो कुछ ऐसी वस्तु होती है जो जीवन उपयोगी
भारतीय जवान दोनों बनाया, उनको सबको छूट दी जाएगी स्कूली बच्चों के है उसमें। और जो ये भी संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला हुआ था कि उसमें जहाँ जहाँ मोर्चे लगेंगे कोई पानी की और उसकी भी व्यवस्था वहाँ की जाए कि इतने दौरान किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आए उसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने 29 लोगों की कमेटी बना दी है, 3 लोगों की आपकी जगह छोड़ दी है। वो मैं बता रहा हूँ, वो विषय यादव जी रखेंगे के लिए आगे रणनीति बनाने वाला। आज की मीटिंग में एसकेएम हरियाणा की मीटिंग थी, हरियाणा की मीटिंग के बीच में हरियाणा को जो प्रोग्राम एसकेएम ने लिखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये मीटिंग रखा हुआ था। इसमें नई बातें भी आई हैं, कुछ इनके लोकल इशू भी हैं वो भी आए हैं, वो इन लोगों ने पास किए हैं जो आपको हमारे आगू साहिबान ने बता दिया है। लेकिन दूसरी बात जो आपने किया है, अभी उधर से कोई सरकार से आया है तो बार बार, क्योंकि मीडिया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसकेएम के जो 3 आगुओं ने एमएसपी की कमेटी में जाना था उसने नाम नहीं दिए, बार बार तोमर बोल रहा है अभी नाम नहीं। अभी हमारे जो एसकेएम की कमेटी है, यादव जी हैं, दर्शन पाल जी हैं, इन लोगों की ड्यूटी लगी थी भी अपना ये सरकार से जो पूछे जो आप एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं वो कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, क्या उनका काम होगा, किसके लिए वो कमेटी बनेगी, अभी तक सरकार ने ये सब नहीं किया। क्योंकि सरकार का साथ हमारा अकेला ऐसा नहीं कि एमएसपी को आप लागू रखें इसके बाद के ऊपर हमारा कोई रट्टा नहीं था। हमारा रट्टा जिसका कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एमएसपी व्यक्ति है उसको कानूनी गारंटी दें, ये बात के ऊपर हमने कमेटी बनाने के लिए सरकार के साथ इस बात के ऊपर सहमति हुई थी, इसके ऊपर हमारी लड़ाई है। लेकिन सरकार इस बात को पासे रख के सिर्फ एमएसपी की एक कमेटी इतने सदस्यों की बना दी कि उसमें पता नहीं कहां कहां से आदमी लिए हैं, वो अपने आदमी लिए हैं, और लास्ट में हमें बोल दिया कि एमएसपी कमेटी में एसकेएम के आदमी नहीं दे रहे, वो बंदे नहीं दे रहे, अपने 3 आदमी नहीं दे रहे। लेकिन 3 जुलाई को जो गाजियाबाद में हमारी मीटिंग हुई है एसकेएम की बड़ी मीटिंग, उसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि ऐसी कमेटी में हमारे लोग नहीं जाएंगे, बायकॉट करते हैं इनको, हम मुकम्मल तौर पे हम इसको प्रमाण नहीं करते, हम जो सरकार की बनाई हुई कमेटी है इसको 2 टुक रद्द करते हैं, ये हमें प्रमाण नहीं, इसका फैसला किया हमें कोई प्रमाण नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहिए? किसी को छोड़ गया वो कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, ऐसे रूट फूट हो जाती है घर में, आप लोग भी एक दूसरे से रूटते होंगे, आप आपके घर वाली से भी रूट जाते होंगे, ऐसा तो होता रहता है, इसी कोई बात नहीं है, वो हमारा भाई है कहीं नहीं जाने वाला। हम संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए संगठनों की बैठक हुई जिसमें 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने जो राष्ट्रीय फैसले लिए थे उसे हरियाणा में प्रभावी तरीके से लागू करने की योजना बनी है, जिसमें अब से लेके 31 तारीख तक हरियाणा में जो बकाया मांगे हमारी जितनी भी हैं एमएसपी सहित उसके बारे में सम्मेलन करना, 31 तारीख को 4 घंटे के लिए चक्का जाम, 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक हर जिला स्तर पे जय जवान जय किसान सम्मेलन जिसमें एक्स सर्विसमैन और बेरोजगारों के संगठन भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। आज की बैठक में जो आबाद मालिकाना हक वाली बात है वो आई और हमने स्पष्ट किया कि हम किसानों के हक के साथ खड़े हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों से ज़मीन छीनने की कोई कोशिश न की जाए, और उसके लिए 5 अगस्त को तमाम डीसीज को ज्ञापन देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अभियान का आरंभ किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा इन सभी मुद्दों के ऊपर लड़ता रहा है, लड़ेगा। जो कल की घोषणा है जिसके बारे में उग्रां साहब ने बताया, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जब 3 कानून वापस लेने की घोषणा की तो उसके साथ में उन्होंने कहा हमें कमेटी बना रहे हैं एमएसपी पे और इस पे और उस पे। हमने पहले दिन से उसके बारे में संदेह जाहिर किया, हमने कहा ये कमेटी एमएसपी पे है या कुछ और चीज़ों पे है, क्या इस कमेटी के दायरे में ये बात भी है कि एमएसपी का कानून बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी चर्चा भी कमेटी में होगी या नहीं। कमेटी में किसानों के साथ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा किन और लोगों को किसान के नाम पे आप बैठाओगे, और कमेटी का चेयरमैन कौन होगा जो सारी कमेटी को चलाएगा, किसान विरोधी तो नहीं होगा। परसों जो घोषणा हुई है उससे हमारे सारे संदेह सच साबित हुए हैं, जो डर था एग्जैक्टली वही हुआ। अध्यक्ष वो आदमी है जिसने 3 कानून बनाए और आखिरी दिन तक वकालत करता रहा, प्रधानमंत्री ने जिस दिन हटाया उस दिन तक वकालत कर रहा था, साथ में रमेश चंद है जो इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। किसानों के नाम पे
तीन संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे, उनके सर पे 5 लोगों को बैठाया है, जिनमें से एक दो हमारे हरियाणा के भी आप सब जानते होंगे, उनके बारे में मुंह नहीं खोलूंगा उनके कैसे लोग हैं। 5 ऐसे लोगों को बैठाया जो कि सारा टाइम किसान आंदोलन को गाली देने का काम करते थे, RSS बीजेपी के पिट्ठू लोगों के या उनके सदस्य लोगों को बैठाया है। कमेटी के परव्यू में, कमेटी का जो एजेंडा है उसमें ये आइटम ही नहीं है कि कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे इस पे चर्चा तो कर लेते, चर्चा ही नहीं हो सकती, बल्कि उस कमेटी के एजेंडा जरिए सरकार पिछले दरवाजे से वापस इन कानूनों को लाने की कोशिश करेगी। इसलिए ऐसी कमेटी में जाना, इसका सहयोग करने का कोई मतलब नहीं है। हम इस कमेटी को पूरी तरह खारिज करते हैं, इसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इस कमेटी का भंडाफोड़ करेंगे। क्या चाहते हैं आप, कैसी कमेटी बननी चाहिए? तो कमेटी बननी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? हमने पहले दिन से कहा था, हमने तो पहले कहा था कमेटी नहीं चाहिए हमें, तो सरकार की तरफ से सरकार पहले एक एश्योरेंस दे कि हम MSP पर एक कानून बनाने का सिद्धांत में एग्रीमेंट करते हैं, फिर कानून की इबारत क्या होगी इसके लिए कमेटी बना लो, हमने इसके लिए हाँ की थी। लेकिन ये तो मतलब चर्चा को ही बाहर रख रहे हैं। हमारे बीच साथी इंद्रजीत जी भी हैं। यादव जी आपसे एक सवाल, कमेटी की बात, कमेटी का औचित्य आज कृषि मंत्री ने कह दिया है कि हमने MSP गारंटी कानून की बात कही ही नहीं थी, तो कमेटी के क्या औचित्य रह जाते हैं? निश्चित रूप से कानूनी